तो यार फाइनली जिस मकसद से हम चले थे दिल्ली से, वो मकसद आज पूरा होने वाला है। आज हम दर्शन करने वाले हैं मुक्तिनाथ जी की, और जो मुस्तांग आने का सपना था वो पूरा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस जे व्लॉग्स, और मेरे साथ है बॉन्ड बाइकर, इसका भी नाम है शुभम। यस तो अभी फिलहाल हम यहाँ रुके हुए हैं थकाली भानसागर, जहाँ पे जैसा मैंने कल बताया था यार, यहाँ अगर आओ तो इंटरनेट यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल हमें इन्होंने पागल बनाया, बोला इंटरनेट है, इंटरनेट नहीं है। ये ना, छोटा सा रूम यहाँ पे है, जैसा मैंने आपको कल वाली वीडियो में दिखाया था। बाहर के नज़ारे किस तरह के हैं पहले दिखा देता हूँ। बाहर बहुत ही औसम मौसम होने वाला है। तू क्या बोल रहा था, बोल दे। मैं कुछ ऐसा बोल रहा था कि यार ना तो इंटरनेट है, ना तो आपको मोबाइल सिम चल रहा है, ना ही वाईफाई चल रहा है, ऐसा कुछ है। और ये देख लो यार, ये है कुछ इस तरह के नज़ारे। ये जो आप देख रहे हो, घोड़े पे लोग बैठ के जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और बादल यार काफ़ी नीचे हैं। वहाँ देखो, वहाँ पे है बादल, काफ़ी नीचे हैं। और अगर आप उधर देखोगे, वहाँ पे तो वाइट माउंटेन्स मिलेंगे आपको, स्नो कवर्ड। और यहाँ पे देखो, सारी बसेस आ चुकी है, यहाँ पे हम रह रहे थे। और अगर ठंड की बात करो तो अभी सितंबर के महीने में, सितंबर अगर लगा लो तो थोड़ी बहुत ठंड है, थोड़ी बहुत। और अगर जाने की बात करो कि कैसे जाते हैं, तो हमें बताया गया कि आप बाइक से जा सकते हो, फिर उसके बाद थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, या फिर आप चाहो तो जैसे लोग घोड़े में जा रहे हैं, घोड़े में भी जा सकते हो। तो अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं, बाइक पे बैठते हैं और चलते हैं दर्शन करने मुक्तिनाथ जी की। यार देख लो, हमारी बाइक यहाँ पे है। तो यार हम लोग जा रहे हैं बाइक से, और शुभम की बाइक पे मैं बैठा हूँ। वैसे आप चाहो तो घोड़े पे जा सकते हो, और घोड़े का जो चार्जेस है वो है 300 रुपये इंडियन करेंसी, यहाँ के हिसाब से 500 के आसपास। अच्छा 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 बहुत अच्छा। जैसा जोमसम में चेक करा था और गाजा में चेक करा था, वैसे ही आपको ए कैप का परमिट यहाँ भी चेक कराना होगा। ये है मुक्तिनाथ, तो आओ एक बार ही चेक करा लेते हैं और फिर चलते हैं। जहाँ जहाँ बाइक जा रही है हम जा रहे हैं, नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा पैदल वैदल भी जा रहे हैं। रास्ते भी आप देख लो, तो ऐसा हो रहा है कि देख लो क्या हो रहा है। एक बार ट्राई कर, बस चल पीछे ला, और पीछे ला, और पीछे अब खींच खींच, चढ़ेगी चढ़ेगी चढ़ेगी, ले जा जहां तक जा रहा है ले जा। तो यार ऐसा सीन है कि कहीं कहीं पे आपको ऐसा बाइक से रुक के पैदल चलना पड़ेगा। तो केदारनाथ के रास्ते में मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप घोड़े पे क्यों गए, पैदल क्यों नहीं गए। तो देख लो यार, मुक्तिनाथ में पैदल जा रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ से अगर आप नज़ारे देखो तो नज़ारे भाई एक नंबर के हैं, एक नंबर के। तो दर्शन करने निकल चुके हैं हम लोग, और पता नहीं यार यहाँ से एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है। बस ओ मंदिर के घंटियों की आवाज़ आ रही है। वेलकम टू मुक्तिनाथ टेम्पल। तो यार ये एक गेट है जिससे कि आपको एंटर करना होता है। ये रास्ते आप देख लो, कुछ कुछ इस तरह के रास्ते हैं। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये जो मंदिर है, ये बहुत मतलब पूरे पूरे ही जंगलों के बीच है। आप देख लो आसपास पूरा जंगल है, और सीढ़ियों के थ्रू आप जा रहे हो। खड़ी चढ़ाई नहीं है, नॉर्मल चढ़ाई है। मेरा थोड़ा मतलब सुबह कुछ खाया पिया नहीं था, इसीलिए सांस चढ़ी है और आदत भी है। अभी यार यहाँ पे एक मंदिर है मुक्तेश्वर महादेव का, यहाँ हमने दर्शन किए, और यहीं पे साइड में यहाँ पे देख लो दर्शन किए मैंने, और यहीं पे साइड में एक छोटा सा वाटरफॉल भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
ठंडा बहुत है। ये देखो यार, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा। ओहो तो अभी हम जा रहे हैं एक, कुछ लिखा हुआ था गोम्पा करके, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ बुद्ध की बहुत बड़ी स्टैचू है, वो जाते हैं, वो देखते हैं। तो यार अभी मेरे पीछे बहुत बड़ा ही स्टैचू है बुद्ध जी का, पर वो आपको क्लियरली दिखेगा नहीं क्योंकि वहाँ सामने से धूप आ रही है। अगर वो धूप नहीं आए, ये देखो अब दिख रहा होगा। और यहाँ से नज़ारे देख लो यार। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। ये जो बुद्ध जी की स्टैचू थी, इसको तो देख लिया, यहाँ फोटोज़ वगैरह भी ले लिए। अभी चलते हैं मंदिर के दर्शन करने। यार मैं आपको एक बहुत ही अजीब चीज़ दिखा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये देखो पानी का इतना फ्लो है कि ये अपने आप घूम रहा है। तो यार फाइनली हम लोग मंदिर पहुँच गए, हमारे सामने मंदिर है। ये देखो धूप के कारण थोड़ा सही से दिख नहीं रहा है, पर अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ से जो मैं आपको दिखा रहा था, ये देख लो। ये देख लो आप, यहाँ पे पैर हाथ धो के अंदर दर्शन कर सकते हो। यहाँ से अंदर जाके एक बारी अंदर चलते हैं। हम लेके तो आए नहीं। तो यार हमने दर्शन कर लिया है और दर्शन बहुत अच्छे से हो गया यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और यहाँ पे क्या कहा जाता है 108 धाराओं के बारे में? एक्चुअली यहाँ पे 108 धाराएं हैं। कुछ बताया जाता है कि यार अगर यहाँ पे आते हो आप तो बहुत, मतलब काफ़ी 108 जगह पे जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती हिंदू धर्म के अनुसार, तो ऐसा कुछ है। आपको दिखाते हैं एक बार। कहा जाता है कि जैसे जितने भी नदियां हैं उनका सबका धाराएं यहां पे आ रही है, तो यहां से भी अगर आप स्नान कर लोगे तो सब में आपका स्नान हो जाएगा। और एक चीज़ मुझे लगा था यार कि मुक्तिनाथ शिव जी का टेंपल है, लेकिन विष्णु जी का टेंपल है। और ये 500 साल पुराना टेंपल है और पूजा तो बहुत पहले से ही जाता है। तो अभी और दिखाते हैं आपको यहाँ पर ऑल अराउंड क्या क्या है और कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। जय विष्णु देव। जय विष्णु देव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपने अपना नाम क्या बताया था? आशीष। आशीष आप कहाँ से हो? मैं पोखरास के रहने वाला हूँ। अभी मैं भी एलोन ट्रैवल कर रहा हूँ इधर। अच्छा, मैं भी पोखरा से आया था। और जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पे अगर आप स्नान करते हो तो सारे जो पाप है वो धुल जाते हैं। तो यार पाप तो हमने बहुत किए हैं, तो स्नान तो करना बनता है। मैं तो स्नान करके जाऊंगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो अभी फटाफट स्नान करते हैं, अपने पापों को धोते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो यार देखो मैं सुबह नहा के नहीं आया था, ऊपर वाले की मर्जी थी कि मैं 108 धाराओं में नहाऊं। तो चलते हैं एक बार यहाँ स्नान करते हैं और अपने पापों को धोते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय कारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भयानक ठंडा है। हर हर महादेव। तो यार जैसा बोला गया था 108 धाराओं के बाद इन दोनों पोखरों में कुंड में स्नान करना होता है। हर हर महादेव। तीन बारी हो गया। तो यार एक गलती हो गई, इसमें तीन बार ही लेना। हर महादेव।
इसके बाद आपको वहाँ पे एक बार ही लेना है, बहुत ठंडा है, पाप ऐसे थोड़ी धुलेंगे। तो यार भोलेनाथ की कृपा थी जो यहाँ आके सारे पाप धुल गए। अब अंदर जाके एक बारी दर्शन भी कर लेता हूँ, पर कैमरा अलाउड नहीं है। तो यार वैसे तो सारे लोग नहीं आ पाते हैं, तो ये मैंने घर के लिए ले लिया है 108 धाराओं का जल। मम्मी पापा इससे आधा आधा करके नहा लेंगे, उनका भी पाप मुक्तिनाथ हर लेंगे। तो यार जैसे बद्रीनाथ है विष्णु जी का मंदिर, वैसे ही मुक्तिनाथ भी है विष्णु जी का मंदिर। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, फिर भाई लोगों ने बताया ये विष्णु जी का मंदिर है और शिव जी का नहीं है, पर शिव जी का काठमांडू में, पशुपतिनाथ जी का। वैसे यार विष्णु जी का, शिव जी का, सब एक ही है। तो ये आप देख लो पीछे मंदिर है, मतलब मैं समझा नहीं, ये कृष्णा गंडकी से सारी धाराएं निकल रही है। तो यार अलग अलग बिलीफ्स हैं, एक बार ही आप नेट पे सर्च कर लेना, मैं भी थोड़ा बहुत सर्च करके आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगा धीरे धीरे बता दूंगा। वैसे तो यहाँ पे 108 धाराएं वो ऊपर से आ रही है, थोड़ा दूर आपको पता हो जाएगा। अच्छा जितने भी इसमें मतलब संसार में जितनी भी नदी है सबकी धाराएं हैं, सब धाराएं गंगा यमुना सरस्वती सब इसमें होगी, इसमें हो जाएगी। मुक्ति नारायण का मुक्ति नाते हैं, सब हो जाएंगे, पाव सब करे इधर से निकालने का पुण्य लेके जाने का। थैंक यू। तो यार मैंने जैसा बताया था ये बेसिकली कुंड है, इसको पाप कुंड कहते हैं, इसको पुण्य कुंड कहते हैं। पहले लोग इसमें नहाते हैं फिर इसमें नहाते हैं ना। तो यार अभी दर्शन वगैरह सब कुछ हो गया है और अब यहाँ से वापस चलते हैं, ये देख लो पूरा नज़ारा। तो अब टाइम आ गया है वापस जाने का और उम्मीद करते हैं कि मुक्ति नारायण जी फिर से हमें बुलाएंगे, फिर से दर्शन देंगे। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को दिखाना, अपने घर वालों को दिखाना, और कुछ पूछना है तो सवाल करना है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप आ जाओ फॉलो करके, सारे फोटोज़ वगैरह भी आपको वहीं पे मिलेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिले, और ये सब फ्री है यार। तो मिलते हैं गाइस नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।